हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस सरारे से एक सुंदर सी टॉप बनाना सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले बनाया है, ये लेयर वाले हैं, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे यहाँ से ज्यादा, फिर यहाँ से ज्यादा, फिर यहाँ से ज्यादा, इसमें ऐसे फ्रिल लगा के बनाया था और इस तरीके का ये सरारा बनाया था। और फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको टॉप में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको पहले यहाँ से ऐसे काट लेंगे और इस साइड से हम बाजू निकालेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा फट गया है, अगर ये देखिए, इसलिए हम इसको अब टॉप बनाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ हो, सरारा पड़ा हो, तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं। मैं इससे पहले इसको यहाँ से ऐसे कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे इस तरह से, और आप भी इस तरह से ही कर लेना। आप अपनी लंबाई के हिसाब से पहले लंबाई देख लेना, हमें आप कितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से कट कर लेना। चाहे अगर थोड़ा छोटा चाहिए तो यहाँ से, और नहीं तो यहाँ से, या फिर और बड़ा चाहिए तो ऊपर से और कट कर लेना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से इसे कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कट चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो ये सिलाई का कपड़ा है, इसको हम ऐसे पतला सा इसको भी ऐसे काट लेंगे, ताकि हमारी यहाँ जो प्लेटें डली हुई है अलग निकल जाए। फ्रेंड्स, चाहे आप इस तरीके से ऐसे सीधा काटें, या फिर एक एक ऐसे ऊपर करके इस तरह से काटने से और ज्यादा अच्छे से कटता है, क्योंकि इस तरह से काटने से नीचे का कपड़ा किधर जा रहा है और ऊपर किधर है, वह अच्छे से पता चल जाता है, तो बराबर से कट जाता है इस तरीके से। तो फ्रेंड, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेटें खुल गए तो इसकी चौड़ाई बढ़ गई, देखिए इस तरीके से। और अगर आप में कपड़ा कम हो तो आप यहाँ से सिलाई खोल के भी निकाल सकते हैं। हमारे में कपड़ा ज्यादा था तो मैंने इसके ऐसे ही काट लिया, क्योंकि सिलाई खोलने बहुत टाइम लग जाता है। और फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ से ऐसे इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से ऐसे कट के इसकी मैनी हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको खोल के भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कट कर लें। मैं इसको ऐसे कट कर लेती हूँ, कट करके मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खुल के कुछ इस तरह के तरीके से आ गया है, और इसमें बहुत घेरा था। आप चाहे तो अगर कम घेरे का हो तभी भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि घेरे वाला ही हो। और अब हम इसके ऊपर इसको ऐसे रख लेंगे, ये सीधा है, इसके ऊपर हम इसको उल्टा करके रख लेंगे ऐसे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और ये फोर फोल्ड में हो जाएगा, देखिए। और हम यहाँ पे गला और कंधा बाजू से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो कंधे की नाप रखेंगे, जितना हमें कंधा रखना है। और यहाँ पे मैं 8 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। मैं इसका गला छोटा बनाऊंगी, इसलिए मैं 8 इंच रख ले रही हूँ। अगर आपको ज्यादा है तो आप कम भी रख सकते हैं इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से मोटा बनाएंगे, और इसको मैं 5.5 रख रही हूँ, सॉरी मैं इसको 6.5 रख रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि अगर हम तीरा ज्यादा रखते हैं तो हमें मुट्ठा भी ज्यादा रखना पड़ता है। अगर तीरा कम रखते हैं तो मुट्ठा कम रहना चाहिए, अगर हम बड़ा बड़ा गला बना रहे हो तो, नहीं तो ये कंधे से लटकने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मुट्ठा 6.5 करके इसको ऐसे गुलाई दे देंगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम अपनी फिटिंग रखेंगे। तो मैं यहाँ पे तो फ्रेंड इसमें 12.5 आ रहा है, तो मैं इसको पूरा ही रख लेती हूँ। और यहाँ 14 इंच आ रहा है, ये हमारी फिटिंग रहेगी। और ये 7 इंच पे हम लगाएंगे, तो यहाँ पे 7 इंच पे हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे, और इसको इस तरीके से ऐसे ले जाके ऐसे सीधा यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, और इसको इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और फिर फ्रेंड्स, मैं आपको गले की कटिंग बता देती हूँ।
मैं फ्रेंड इसमें बोट वाला गला बना रही हूँ, तो फिर मैं इसकी चौड़ाई इसकी 4.5 इंच रख रही हूँ इस तरीके से, और इसकी लंबाई मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, और इसको इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से हमें ऐसे मिला देना है, और इसको इस तरीके से और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे और वहाँ तक इसे कटिंग कर लेना है। मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग हो चुकी है, और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कुछ इस तरह से आया हुआ है। देखिए अब हम इसकी बाजू की कटिंग कर लेते हैं, साइड में, और बाजू के लिए मैं इसको यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने काट के निकाल लिया, और इस तरह से हो गया है। अब इसको गेट खोलने से करेंगे, और जितनी इसकी लंबाई हम पूरा ही बाजू रख लेंगे। अगर आपको छोटी बनाना है तो छोटी कर सकते हैं। इसकी लंबाई बता देती हूँ आपको, ये 8.5 इंच इसकी लंबाई है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से ऐसे 2.5 इंच ले लेंगे, और इस साइड से हमें यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाना है, और इस 2.5 को और इस 3 को ऐसे आपस में ऐसे मिला देना है इस तरीके से ऐसे। और यहाँ पे हमें मोहरी रखनी है, जितनी आपको मोहरी चाहिए उतना रख के, और सिलाई के अभी कपड़े से मैं रख लेना है, तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे 8 रख रही हूँ, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है इस तरीके से। देखिए, और इसको ऐसे और ऐसे में कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाजू कट गई है। अब हम इसका गला बनाएंगे, और इसके लिए हमें ये जो आप इस यहाँ कंधे के साइड से कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से, एक इसके साथ और एक इसके साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है, और इसको भी ज्वाइंट कर लिया, और इसको डबल करके रख लिया है, और इसको भी हम ऐसे डबल करके ऐसे रख लेंगे इस तरह से, और इसको उसके ऊपर ऐसे रख लेंगे बराबर से एकदम इस तरह से। और हम इस गले की कटिंग लेंगे, जो हमने गला से काटा था उसी की कटिंग है ये, और इसको इस तरह से इसी के ऊपर ऐसे रखेंगे, यहाँ ऐसे मिला के सेंटर से सेंटर यहाँ ऊपर बराबर करेंगे, और यहाँ पे। उसके बाद में हमें इसके किनारे किनारे से माप कर लेना है इस तरीके से ऐसे, देखिए, और इसको ऐसे कट कर लेंगे। और हम इसको गला बनाने के लिए हमें 1 इंच ऐसे, 1 इंच या आपको ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना है तो 1.5 इंच ऐसे रख के, 1.25 इंच 1.5 इंच ऐसे रख के ऐसे निशान लगा लेना इस तरीके से, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको हटा देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे यहाँ से और यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कट के कुछ इस तरह से आया, और हम इसको इस तरह से निकालेंगे ये, और गले को ले लेंगे इस तरह से, और गले को हम ऐसे सीधा करके रख लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर इस पट्टी को हम उल्टा करके रखेंगे इस तरह से ऐसे ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक हमें पैर की जितना मार्जिन की देके ऐसे सिलाई लगा देंगे, और दूसरे के साथ भी हमें ये पट्टी रख के ऐसे ही करना है। मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है, और इस वाले पर भी लगा लिया है इस तरीके से, और मैंने दोनों पर कटिंग लगा लिया ऐसे हल्का हल्का तक कट लगा लिया इस पे भी और इस पे भी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसे एक फोल्ड करेंगे इसके बराबर ऐसे, और दूसरा फोल्ड हम इसे अंदर की साइड ऐसे करेंगे, और ऐसे करके हम इस पे ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे, और इसी तरह से हम दूसरे वाले पे भी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस गले को फोल्ड कर लिया है, और इस वाले पे भी मैंने ऐसे एक दाब की सिलाई लगा दी इस तरह ऐसे फोल्ड करके, उस पर एक दाब की सिलाई लगा ली। तो क्या करेंगे, हम इस कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से
हम इसको रखेंगे और इस वाले कपड़े को हम बाहर के साइड से निकाल के रखेंगे, ऐसे इसके बराबर रखेंगे और ये बाहर को साइड से निकालेंगे और इसको ऐसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीको, ऐसे से इस तरफ को ऐसे फोल्ड करके, और हम इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई लगा देंगे और इस साइड भी ऐसे ही करेंगे हम। इस साइड का भी इस तरह इस वाले से ऐसे बाहर निकालेंगे इस कपड़े को और इस तरह फोल्ड करेंगे और इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पलट लेंगे और इस साइड भी ऐसे, और इसको इस तरीके से यहाँ देखो ऐसे आ जाएगा और फिर हम इस पे ऐसे ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पे ऐसे किनारे किनारे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें बाजू भी ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे बाजू रखेंगे इसके सीधा करके और इसके ऊपर बाजू को ऐसे उल्टा करके रख लेंगे और यहाँ से पहले यहाँ बीच से शुरू करेंगे और ऐसे ऐसे यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इस साइड भी ऐसे ऐसे घूम के इधर सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी ज्वाइंट कर लेना है। और फ्रेंड्स उसके बाद में हमें किनारा भी ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेना है, एक फोल्ड फिर ऐसे दूसरा फोल्ड और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गला भी फोल्ड कर लिया है और बाजू भी लगा लिया है और ये बाजू को फोल्ड भी कर लिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, अपनी फिटिंग लेंगे और उसके बाद में यहाँ से लेके ऐसे इस तरीके से पहले बाजू रखेंगे और फिर उसके बाद अपनी फिटिंग और उसको यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह इस साइड भी कर लेंगे। मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे फिटिंग लगा लिया है और मैं इसका सीधा करके दिखाती हूँ किस तरह से आया है। ये हल्का लूज ही बनाना है। अगर आपको और ज्यादा फिटिंग लगानी है, क्योंकि इसमें प्लेटें हैं, तो अगर आपको अच्छी से फिटिंग चाहिए एकदम फिटिंग का, तो इसमें आप ये इसके ज्यादा ही फिटिंग लगानी पड़ेगी, तभी एकदम फिट से आएगा फिटिंग का चाहिए, क्योंकि इसमें प्लेटें लगी हुई है, उस हिसाब से ये यहाँ पे फिट है, यहाँ पे थोड़ा लूज और फिर यहाँ जैसे जैसे ज्यादा प्लेट है उस हिसाब से लूज आ रहा है। और फ्रेंड्स देखिए बनके इस तरह से तैयार हो गया है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो और आपको कैसी लगे मुझे कमेंट करके बताएं और प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।